मैं आ चुकी हूँ जम्मू सिटी यानी कि परेड पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने की शॉपिंग और खाया मैंने बहुत अमेजिंग स्ट्रीट फूड, वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और जितने भी प्राइजेज है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। सो वॉच टिल द एंड। Hi everyone, so welcome back to my YouTube channel once again. If you have not subscribed to my YouTube channel, then you must subscribe it first. अभी की अभी पहले सब्सक्राइब करो फिर ये पूरा व्लॉग देखो। तो अभी तक अगर आपको नहीं पता है मैं कौन हूँ मैं बता देती हूँ। आई एम पूनम कौल एंड आई हैव स्टार्टेड मेकिंग व्लॉग्स फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन एंड जो मेरा पैशन है दैट्स मॉडलिंग डांसिंग एंड अदर स्टफ। तो आपको इस व्लॉग में पता चलेगा हाउ डू आई डील विद माई डेली लाइफ, वट ऑल डू आई डू। सो लेट जस्ट बिगिन दिस व्लॉग। सो ये व्लॉग मेरा बहुत डिफरेंट होने वाला है मेरे प्रीवियस व्लॉग से, वो आपको बहुत जल्दी पता चलेगा वो ऐसा क्यों। उसके लिए आपको ये पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। सो वॉच टिल द एंड। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी बज रहे हैं सुबह के करीबन 8 और आई एम जस्ट गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकलूँगी यहाँ से सीधा स्कूल के लिए। सो पहले खाते हैं खाना क्योंकि लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा भूख। और जो एंड टाइम यानी कि जब छुट्टी होती है वो करीबन 2 बजे के अराउंड होती है, इसलिए फिर पूरा दिन भूख लगती है और मैं लंच लेके नहीं जाती। एज 2 बजे छुट्टी होती है तो मैं सीधा डायरेक्ट आके घर पे लंच ही प्रेफर करती हूँ करना। सो ब्रेकफास्ट करती हूँ, जल्दी से तैयार होती हूँ और आपसे बातें मिलती हूँ। ऑलरेडी 8:30 हो रहे हैं और ये ग्लव्स मैं यहाँ लगा रही हूँ बिकॉज ठंड बहुत और स्कूटी पर जाना है एंड चलो चलते हैं। सो कूल, मैं फाइनली रीच टू स्कूल एंड मैं जा रही हूँ पढ़ाने के लिए। पहले अटेंडेंस होती है उसके बाद मैं क्लास में जाऊँगी पढ़ाऊँगी एंड मिलते बाद में। सो 2-3 क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ और अभी आ गई हूँ मैं लॉकर के पास। अपनी कुछ बुक्स हैं यहाँ पे जो मुझे ये बंद करनी है सो दैट गुम ना जाए। ये लंच ब्रेक का टाइम होता है और इस टाइम पे मैं अक्सर नोटबुक चेक करती हूँ क्योंकि लंच में साथ में लाती नहीं, वो करती हूँ मैं घर पे। और भूख बहुत लग रही है और आई एम मिसिंग जो मेरे घर पे बिल्ली आती है उसको मैं बहुत मिस कर रही हूँ और साथ में नोटबुक चेक करती हूँ ताकि जो उनकी मिस्टेक्स है बच्चों की वो फ्यूचर में दोबारा रिपीट ना करें। और अब छुट्टी हो गई है सो आई एम लीविंग बैक टू माई होम एंड वहाँ पर मिलते हैं। तो ये लीजिए जिसकी मुझे याद आ रही थी वो है मेरे सामने और ये बहुत खूबसूरत है। अब ये बिल्ली है बिल्ला है वो मुझे नहीं पता और ये डोमेस्टिक कैट बिल्कुल भी नहीं है, इट्स अ वाइल्ड कैट। वो था बिल्ला और ये देखो ये बिल्ली। सो गाइस अभी शाम के बज चुके हैं करीबन 3 और मैं आ चुकी हूँ अभी परेड में और कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने देखने और देखते क्या पसंद आता है और जो भी पसंद आएगा मैं आपसे शेयर करूँगी एंड आपको भी दिखाऊंगी। तो जैसा मैंने आपको कहा था व्लॉग के स्टार्टिंग में आऊँगी परेड तो मैं एक्सप्लोर करने यहाँ फाइनली पहुँच चुकी हूँ। तो अब देखते हैं यहाँ पे कुछ रबर है कुछ पिंस वगैरह है जो हम गर्ल्स को बहुत बहुत पसंद है और द स्टार्टिंग प्राइस वॉज 20 रुपीज़ ओनली, कैन यू बिलीव दिस। और उसी के साथ मुझे आगे एक शॉप मिली पटेल बाज़ार में पड़ती है वो है ये। यहाँ पे मुझे बैग हुडी चाहिए थी जिसका जो रेंज ये बता रहे थे 1000 रुपीज़ एंड समथिंग। आई वॉन्टेड कि वो डिस्काउंट कर ले 500 जो उन्होंने नहीं किया तो मैंने नहीं परचेज़ किया, मुझे डिस्काउंट ज़रूरी चाहिए होता है। तो जैसे आपको पता मैंने लंच नहीं किया और लंच ब्रेक के टाइम पर मैं लंच नहीं कर पाई तो फाइनली मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं आ चुकी हूँ जगह पे जो कि पड़ती है पटेल बाज़ार में, स्टार्टिंग पॉइंट ही है ये। और जो इस शॉप का नाम है वो अभी बस आपको मैं दिखाती हूँ, ये यहाँ पे रमेश चाट हाउस और यहाँ पे कल्हाड़ी कुलचा और ये आलू टिक्की बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं और जब भी मैं परेड आती हूँ मैं इस शॉप पे ज़रूर आती हूँ जो कि है रमेश चाट हाउस। और जब आप भी कभी यहाँ आए ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको खा के कैसा लगा एंड आई नो यू विल श्योरली लाइक इट। तो बातें मैं बहुत कर रही हूँ, टेस्ट करते खा के देखते कैसा है। सच बताऊँ बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा लगा एंड आई विल गिव 10/10, इट्स एन अमेजिंग प्लेस, डू विजिट वंस। आलू टिक्की तो बहुत अच्छी थी, अब मैं ट्राई कर रही हूँ कलाड़ी कुलचा, अब इसको देखते टेस्ट करके कैसा है। एंड यार इसकी जो कलाड़ी है वो बहुत अमेजिंग है यार, स्टफिंग भी बहुत अच्छे से और जो उनकी चटनी है वो इतनी टेस्टी, मैं क्या बताऊँ। तो मैं खा रही हूँ और मुझे खाने दो बाद में आपसे मिलती हूँ। तो कल्हाड़ी कुलचा खाने के बाद और आलू टिक्की खाने के बाद मैं पहुंची हूँ शॉप पे जहाँ पे मिलती बहुत सारी जूतीज़ और जो इसका रेट है वो मैं आपसे जल्दी रिवील करूँगी। उसको उसके लिए आपको ये जो व्लॉग है एंड तक देखना पड़ेगा एंड आई विल लेट यू नो कि जूती का रेट कितना है एंड आप
शॉक हो जाएंगे सुन के। और जो ये जगह है ये पड़ती है करीबन करीबन जो मंदिर है वहाँ पर, जहाँ बांटे वाला पानी जो बहुत फेमस है, जो अगर आप जम्मू से तो आपको ज़रूर पता होगा, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो इसका रेट है वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। और फिर मैं आ चुकी हूँ शॉप जहाँ पे मिलती है बहुत अमेजिंग, जो इसका रेट है वो स्टार्ट होता है 50 रुपीज़ से, और जो ये वाली है इसका 100 रुपीज़ है। एंड यहाँ पर बहुत अच्छी बालियाँ हैं, झुमकेज़ है, टॉप्स है, रिंग्स है, यू कैन कम हियर एंड बाय। जो ये जूती की शॉप है उसके थोड़ा सा आगे जाके आपको ये मिलेगी, और ये पटेल बाज़ार में है। मुझे तो बहुत एस्थेटिक लगी, बहुत ब्यूटीफुल लगी, मैं सोच रही हूँ ये खरीद लूँ। आपको क्या लगता है, अच्छा क्या मैंने खरीद के? कुछ शॉपिंग करके मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे गोलगप्पे खाने, जो कि बहुत फेमस है यहाँ के, टेस्ट करती हूँ। और टेस्ट करके मैं क्या बताऊँ यार, ये बहुत अमेजिंग है यहाँ पे, मैं हमेशा यहीं पे आके खाती हूँ। और ये जो जगह है ये भी पटेल बाज़ार में है, यहाँ पे बांटे वाला पानी जो बहुत फेमस है, उसी के साथ में मंदिर है, मंदिर के साथ में जो भैया ये हमेशा यहाँ पे होते हैं और आपको हमेशा मिलेंगे, तो यू कैन टेस्ट। खा पी लिया और मैं यहाँ से अब निकल चुकी हूँ। और अब मैं कहाँ जा रही हूँ, आई हैव टू सी दैट। मैंने एक कुर्ती का सेट लिया है, कॉम्बिनेशन है वो तीन चीज़ों का, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, और जूती का रेट भी डिस्क्लोज करूंगी लास्ट में। आपको तब तक ये जो व्लॉग है देखना पड़ेगा। और अभी मैं वो बख्शी नगर में यहाँ से जा रही हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत लाइट वेट में कुछ खाया, तो हैवी तो मैंने कुछ खाया नहीं, इसलिए मैं सोच रही हूँ पिज़्ज़ा खाने के लिए मैं जा रही हूँ डोमिनोज, तो वहाँ मिलते हैं, चलो जल्दी से। तो गाइस शाम का टाइम हो रहा है और मुझे लग रही थी बहुत सारी बुक और मैं आई हूँ अभी डोमिनोज पिज़्ज़ा खाने के लिए। एंड अपने लिए आई थिंक मैंने चॉकलेट वाला केक भी ऑर्डर किया है, तो अब मैं वो खाती हूँ। और जैसे ही ऑर्डर आएगा तो पहले तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि और भी ऑर्डर्स जो रेडी हो रहे हैं, जैसे ही आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो जिस डोमिनोज में मैं आई हूँ वो पड़ता है सिटी स्क्वायर के पास, या बोले जम्मू हाट अपोजिट उधर ही है। और ये जो डोमिनोज है मेरे को बहुत पास पड़ता है घर से, इसलिए मैं यहीं पर आई हूँ। और मेरा जो ऑर्डर है वो आ चुका है, पनीर मखनी पिज्ज़ा और विद डबल चीज़ और कोक साथ में ही की है मैंने, एंड आई विल टेस्ट इट। जैसे कि आपको पता है मुझे बहुत ठंड लग रही थी, मैं स्कूटी पे आई हूँ, तो मैंने ये कॉफ़ी पी नेस्कैफे से जो रास्ते में मुझे मिल पड़ रही थी, तो ये 20 रुपये की है, ज़्यादा महंगी नहीं है, और ये मैंने कर ली। और उसके बाद मैं आप सीधा घर जाऊँगी और आपसे मिलूँगी वहाँ पे, और मैं आपको बताऊँगी जो मैंने कुर्ती ली थी और जो मैंने अपने लिए जूती ली उसका रेट कितना है। सो फाइनली ये टाइम है आपको दिखाने का, तो चलो घर चलते हैं, वहाँ पर मिलते हैं। और मैं घर आ चुकी हूँ, ये है जो पहली कुर्ती मैंने खरीदी है, इसके साथ बॉटम वेयर भी मुझे उन्होंने दिया है, ये कॉम्बिनेशन है, और साथ में ये शॉल भी दिया जो कि थोड़ा बहुत गर्म है, और मुझे ये बहुत सुंदर लगा। और ये करीबन करीबन उन्होंने जो स्टार्टिंग रेट है वो 2500 रुपये बोले, और जो मैंने लिया है वो लिया मैंने 1200 रुपये में, ये सिर्फ 1200 रुपये में, और मुझे भी अच्छा लगा कि चलो बार्गेनिंग कर ली मैंने, अच्छे से कर ली, और बहुत ब्यूटीफुल है ये। कभी ना कभी मैं लगा के आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और मेरा इंस्टाग्राम पर जो पेज है उसको भी फॉलो करो, क्योंकि जो बहुत सारी फोटोज़ है मैं वहीं पर डालती हूँ। एंड इसका स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा, मुझे अच्छा लगा और घर वालों को भी बहुत अच्छा लगा कि अच्छा है ये जो आपने। और ये रही जूती जो कि पड़ती है मार्केट में 400-500 रुपए की, और मुझे पड़ी सिर्फ 250 रुपीज़ में। जी हाँ, आपने सही सुना। और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए यू हैव टू डू इज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और खूबसूरत प्यार दो और कमेंट्स किया करो यार, आप कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करते। शो सम लव एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।